Today we are at Uttarakhand Tourism Cricket League. This is a league where the 10 cricket team participating from Rishikesh and Haridwar. This is a 4-day cricket league in Rishikesh, which create a bonding between the tourism companies and hotel companies in Rishikesh and Haridwar. And today the first match is won by Aloha on the Ganges, and rest you can see the glimpse in our story. Namaste. सारे के सारे ना ऐसे बैठ दो बस घुटना भी बैठो और आगे वाले खाले ऐसे करो हाथ बांध के लेकिन दोनों को घुटना करना ना अरे यार तू घुटना नहीं एक ही घुटना करना सारे के सारे चलो चलो ये वाला घुटना करना अरे नहीं उधर वाले करना इनले मुझे चलो एक गैप आ रहा गैप चलो आगे क्लोज क्लोज चिपको थैंक यू बहुत बढ़िया नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। बेसिकली ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, ये उत्तराखंड टूरिज्म क्रिकेट लीग हो रहा है, और इस मैच को कराने का उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले। इस टोटली टूर्नामेंट में ऋषिकेश के कुल 10 होटल पार्टिसिपेट किया है, और मोटिव यही है कि सब लोग खेल की प्रतिस्पर्धा से जुड़ें और टूरिज़्म को बढ़ाने में हम लोग अपना साथ दें, क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री में आपको पता है कोविड के बाद काफ़ी गिराव आया है। तो वही उत्तराखंड टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो सके, टूरिज़्म बढ़ेगा तो रोज़गार भी होगा, तो यही इसका मेन उद्देश्य है। खासतौर पर देखा जाए तो होटल्स वालों को बहुत कम समय मिल पाता है। जी जी जी। और ऐसे में बड़ा निकालना, इसे दो तीन मैसेज जा रहे हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस जी, दूसरी बात है पर्यटन को बढ़ावा देना जी, तीसरा एक एंजॉयमेंट कुछ एंटरटेनमेंट कुछ टाइम निकालना जी जी, तो ये भी एक तो ये आइडिया आया कहाँ से, कब से हो रहा है? बेसिकली देखिए, आपने सही कहा कि होटल वालों को टाइम कम मिलता है, और उत्तराखंड में ज़्यादातर जो युवा आप देखेंगे या तो आर्मी में है या तो होटल्स में है। बस ये है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट निकाल के, जैसे हम भी खुद होटल में रहते हैं काम करते हैं, तो वो टाइम निकाल के बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए समय निकालने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तो इसी विषय के उसमें हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका संस्थान है कंफर्ट इन है जी, कंफर्ट इन ने मतलब कितना आपको सपोर्ट किया है इसमें देखा जाए तो? देखिए कंफर्ट इन जो हम कंफर्ट इन होटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने होटल को, और पूरा सपोर्ट हमें मिला है, हमारी पूरी टीम का पूरा सपोर्ट मिला है, और हम सभी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को और आगे अच्छा ले जाएं, और ये खेल की भावना से हम इसको देखें, खेल हार या जीत तो लगी रहती है, खेल की भावना से एक अच्छी प्रेम सौहार्द को आगे बढ़ाएं, यही इसका मेन उद्देश्य है। खासतौर पर क्रिकेट को ही क्यों चुना आपने? देखिए जी, क्रिकेट को देखिए भारत में वैसे तो सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सभी को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम लोग जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब जो जब ज़्यादातर जो लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में था, तो क्रिकेट का हम करते रहते हैं, तो इसलिए हमने क्रिकेट को इसमें चुना है। आपके कितने मैच हैं, कब तक है ये टूर्नामेंट? टोटली एक दिन में 4 मैच हो रहे हैं, और 12 ओवर का ये एक मैच है, तो ये 4-5 दिन हमारा ये मैच चलेगा। थैंक यू साहब। आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आज आप आए हैं, कैसे टाइम निकाला पहली बात तो, दूसरा मोटिव क्या है इसका? तो हम लोग जो हैं सब होटल से हैं, होटल्स और ट्रैवल एजेंसी है। हम लोगों का आइडिया ये था कि यू नो साल में एक बार अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग आपने बताया कामकाजी लोग हैं, सबको अपना समय निकाल के और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सबको आजकल काफ़ी सब चल रहा है, ये इसको लेके हमने क्रिकेट के शौकीन भी सब लोग हैं, क्योंकि सब लोग गढ़वाल से हैं, तो ये एक आयोजन करने का फिर इरादा हम लोगों का आया, और हमने सोचा कि यू नो सबको सब साथ लेके और किस तरह से हम टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इसका आयोजन किया जाए, तो इस तरह से इसका आइडिया आया। और आप देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अच्छा माहौल बना हुआ है, सब लोगों ने काफ़ी पिछले 1.5 महीने से प्रैक्टिस की है, तो आई एम श्योर उन्होंने अपने स्वास्थ्य लाभ भी किया होगा।
फील्ड में देखा जाए तो एक दूसरे के आप कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आप खेल में, हर खेल हमेशा जोड़ता है, एक मैसेज अच्छा जाता है, कहीं ना कहीं पर्यटन को इससे फ़ायदा मिलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि हम लोग पहले मित्र थे और तब हमने क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज होने के बाद हम लोगों की मित्रता होगी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हम लोग पहले से ही, हमारी अब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ, चाहे वो कोर कमेटी मेंबर हो, वर्किंग कमेटी मेंबर हो, या जितने भी यहाँ पे आज यू नो खिलाड़ी और सब स्टाफ आए हुए हैं। आई एम श्योर खिलाड़ियों के आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग होती है, आप ट्रैवल एजेंट्स को जानते हैं, आप होटल्स वालों को जानते हैं, तो इससे आपकी डेफिनेटली ये सब बढ़ने वाली है, आपकी जो यू नो वन टू वन इंटरेक्शन होने वाला है, जो एक दूसरे के साथ होने वाला है, ये सब बढ़ने वाला है। एंड दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, मुझे बिल्कुल लगता है, बिकॉज यू नो ट्रैवल एजेंट जिस तरह से हैं, अभी तक क्या होता था कि एक होटल में आप केवल एक आदमी को जानते थे, अब यहाँ से क्या होगा, एटलीस्ट आप 10 से 15 लोगों को जानने लगेंगे। एंड जब आपकी फेस वैल्यू मतलब इस तरह से हो जाती है कि आप एक दूसरे को सकल से जानने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, तो एक अलग से बॉन्डिंग और बनती है। सो ये बेसिकली आइडिया ही ये है कि यू हैव टू हैव अ बेटर बॉन्डिंग विद इन टीम मेंबर, विद इन होटल्स एंड ट्रैवल फैटर्निटी। अलोहा की तैयारी कैसी है आपकी टीम की? हम लोग गत विजेता रहे हैं, तो तैयारी उस हिसाब से हमारे ऊपर एक भार भी है कि हाँ हमारे ऊपर वो दबाव है, बट यस हम लोग काफ़ी डिटरमिंड हैं कि हम लोग यू नो अच्छा जाएँ, अच्छा खेलें। कुल मिला के आइडिया ये है कि मैदान पे जाके आप अच्छा खेलने का प्रयत्न करें। हार जीत तो देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, वो डेफिनेटली होंगे, बट आइडिया ये है कि आप अपना इंटेंट अच्छा दिखाएं, आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और अच्छा खेल दिखाएं। थैंक यू। केंद्र साहब, फील्ड में कॉम्पिटिटर, यहाँ खेल आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कहाँ से आइडिया आया आपके पास ये पहली बार? सी देखिए, आइडिया तो एक्चुअली ये अगर श्रेय दूं मैं तो ये था कोरोना को। सी हुआ क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड में ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो इसके चलते हमने एक सबसे पहले कार रैली स्टार्ट की थी ऋषिकेश से टेहरी के लिए, उसका हमने रखा था नाम उत्तराखंड कॉलिंग सेफ टूरिज्म। फिर वहाँ से थोड़ा सा आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने आप में अपने ट्रेड को जोड़ें, और जब ट्रेड को जोड़ें तो ट्रेड में हमारे पास ट्रैवल एजेंट भी हैं, होटेलियर भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के जो मतलब अपने बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी हैं। तो हमने क्या करा, एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई लास्ट ईयर, उसका नाम रखा था हमने RCL, ऋषिकेश क्रिकेट लीग। उसके बाद हमने सोचा कि रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी है, और ऋषिकेश ही नहीं, हरिद्वार, देहरादून, अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ऋषिकेश में बड़े लेवल में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो अभी काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि हमने जैसे अभी ये पिछली बार किया था छोटे ही लेवल में, एक हफ्ते के अंदर हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट, पिछली बार 6 टीमें थी हमारे पास और उसके हिसाब से हमने 3 दिन में मैच ख़त्म कर दिया था। इस बार हमारे पास इतना अप्रोच होने के बाद 10 टीमें आई हैं, जबकि पॉसिबल नहीं था 4 दिन में ख़त्म करना, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं से वो करके 4 दिन का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे हम में से हम कोर कमेटी में हम लोग हैं, सुरेश काला जी हैं, बड़े मेंटोर हैं हमारे, अनिल गुसाई जी हैं, कैलाश जोशी जी हैं लेमन ट्री से, देव पोखरियाल जी हैं, मैं हूं, हम लोगों ने फिर एक महीने से लगभग इसमें काफ़ी वर्किंग करी। जब वर्किंग करी तो रिजल्ट ये आया है कि अब हमसे वो लोग जुड़ना चाह रहे हैं जो उसको देखना भी नहीं चाह रहे थे कि यार क्या हो रहा है। तो आज के टाइम में हमारे पास 10 टीमें हैं, कुछ हरिद्वार से हैं, कुछ ऋषिकेश से हैं, और लोग सपोर्ट करने के लिए दिल्ली, NCR, उत्तराखंड के सभी जगहों से। मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा विनीत जी हमारे कलर्स से, और आशीष भाई हैं वेडिंग क्लिक से, जिन्होंने हमें बड़ा प्रोत्साहन दिया कि अरे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको पता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो जब कहीं से फाइनेंस सपोर्ट मिलता है तो आदमी खुल के काम करता है, और यही हमने भी किया, और रिजल्ट आपके सामने, आज के सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। एंड मैं सबका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, टीम का भी और स्पॉन्सर्स का भी। और ये 19 तारीख को फाइनल होगा, हर दिन 4-4 मैच हैं, और प्राइजेज तो ट्रॉफी है, विनिंग ट्रॉफीज़ हैं, बाकी हमारा कोई ऐसा नहीं है, कोई फाइनेंस के लिए नहीं हमने करा इसको। दिस इज़ काइंड ऑफ कनेक्टिंग टूरिज्म, कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। पहले क्या होता था कि हरिद्वार वाले ऋषिकेश को नहीं जानते, ऋषिकेश वाले हरिद्वार को नहीं जानते, अब हमने जब ये करा तो आज के टाइम में लोग गले मिलकर एक दूसरे को जानते हैं, बाई नेम, बाई फेस सब जानते हैं एक दूसरे को। तो हमने यही कोशिश करी कि किसी को पूछना ना पड़े कि यार तू कौन है भाई, या मैं कौन हूँ, सब एक दूसरे को बाई नेम जान रहे हैं आज के टाइम में। और जहाँ पर क्रिकेट की बात आती है तो उसको मेमोरी रहती है कि अगली बार यार कहाँ मिले थे, वो टूर्नामेंट में मिले थे। तो ये है, नहीं मैंने देखा कि काफ़ी अनुशासन में देखा है मैंने, हाँ जी 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 जी, सुझाव है कि आप एक बेस्ट यूनिफॉर्म टीम भी एक प्राइज रखें। हाँ किसकी बेस्ट यूनिफॉर्म है वो भी एक रखें। हाँ वो हमने छोटी छोटी चीज़ें रखी है, बहुत सारे मतलब 100 से भी ज़्यादा प्राइजिंग है उसमें। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ में लाना, एक उस पर लाना प्लेटफॉर्म में बहुत चुनौती। एग्जैक्टली ये बड़ी बात है, कंसेप्ट निकालना, आइडिया निकालना बड़ी बात है, कोई छोटी वो नहीं है, लेकिन ये कि एक साथ में इकट्ठा करना होटल वालों को, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब लोग जॉब वर्क है, वर्किंग वाले हैं,
ये कैसे संभव हुआ? हमने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए इसमें, किसी का मैच रिशेड्यूल किया, किसी की टीम को रिप्लान किया, किसी को समझाया कि ये करेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो उसको आगे पीछे करा, लगभग एक महीना हमारा पूरा शेड्यूलिंग में ही लगा। फिर ग्राउंड का था, ग्राउंड में एग्जाम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी थोड़ा सा कहीं से सेटिंग करके उनके साथ भी बातचीत करी कि नहीं मैच तो डेट चेंज नहीं कर सकते। ऑल्दो गुजरात में अभी रोड शो चल रहा है अभी टूरिज्म से रिलेटेड, तो हमारे काफ़ी सारे मित्र जो सपोर्टर हैं वो वहाँ जा रखे हैं, तो उनकी भी थोड़ा सा कमी है आज ग्राउंड में। बट फिर भी हमारी जो कोर कमेटी की टीम है, 5 लोग हम थे, बढ़ चढ़ कर रात को 10-10 बजे तक भी हमने ग्राउंड रेडी किया ये, तो सभी का सपोर्ट है। और आपने शुरू करी है, आपको उम्मीद है कि आज से 5-10 साल बाद गवर्नमेंट भी इसमें जो है ना सपोर्ट करे कुछ? अफकोर्स प्लान है कि टूरिज्म बिल्कुल हमारे साथ, देखिए अच्छे अच्छे रिलेशन रखते हैं सभी लोग। जैसे मैं कुछ बोलूँगी, मैं अटक गया इस टूर्नामेंट में, तो मैंने कहा काला जी हमारे मेंटोर भी हैं और सीनियर्स भी हैं और बड़ी अच्छी एडवाइस देते, तो मैं बोला ये अटक गए, तो उन्होंने कहा नहीं ये हम कर देते हैं, तो किसी अच्छे अधिकारी से जुड़ गए, अधिकारी ने कहा मैं मिनिस्टर से जुड़ा देता हूँ। फिर हमारे साथ कैलाश जी हुए, देव भाई हुए, सभी के अपने अपने सर्कल है और सब यूज़ कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग चाह रहे हैं अगली बार के लिए, बड़ी एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर। थैंक यू वेरी मच केंद्र, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और टीम का नहीं चाहिए मुझे, अच्छा तो हो गया। रेल गड्डी आई क्या, वो करेगा अपने हिसाब से पता। बहुत बेहतरीन गगन सुंदर छक्का मारा है यहाँ पे आशीन ने। विवेक मेरे ख्याल से आशीष कोई Oh, you're right there.